नमस्कार बच्चों, आज चतुर्थी कक्षा के गणित के क्लास में हम जो टॉपिक लेंगे वो है सरल आकृतियाँ। इसकी एक प्रश्नावली भी आती है आपकी किताब के अंदर, एक अभ्यास माला आती है, तो उसके अंदर हमको कुछ सरल आकृतियों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो अभी हमारा स्तर चतुर्थी कक्षा का है, तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हमको कुछ आकृतियाँ, उनकी जानकारी, उनके चित्र कैसे होते हैं वो समझ में होना जरूरी होता है। आगे की कक्षाओं में उन आकृतियों से संबंधित कई तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज हम दो तरह की सरल आकृतियों के बारे में जानकारी लेंगे। पहली आकृति लेंगे त्रिभुज और दूसरी लेंगे वर्ग। अब पिछली साल हमने ये दोनों आकृतियाँ पढ़ रखी है, तो उनके चित्र हमने तिकोना और चौकोर ऐसा कहते थे, है ना, त्रिभुज को तिकोना और चार भुजाओं से जो बनी हुई समान माप वाली आकृति होती है उसको हमने चौकोर कहते थे। तो उन्हीं आकृतियों को आज हम परिभाषा अपने खुद के द्वारा बनाएंगे, उनके चित्रों को बनाएंगे, उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहली आकृति लेते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज को देखो, आप त्रि का मतलब क्या होता है, गिनती है ना, संस्कृत के अंदर हमने संख्यावाचक शब्दों में सीखा होगा। त्रि का मतलब होता है तीन, एक दो तीन। भुज, भुज का मतलब क्या होता है, भुजाएं, लाइनें, रेखाएं। तो तीन भुजाएं, नाम से इसकी आकृति बन गई, तीन भुजाएं होनी चाहिए वो त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना सा नहीं, उन तीन भुजाओं की स्थिति कैसी होगी वो अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे तीन भुजाएं ना, तो ये मैंने पहले तीन भुजाएं बनाई, एक दो तीन, एक दो तीन। ये त्रिभुज है क्या? नहीं है, ये त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ रखा है इसे आप पहचान पाएंगे, एक दो तीन, ये तीन भुजाओं से बनी एक आकृति है। क्या इसको त्रिभुज कहते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में मिलकर के एक आकृति बनाती है। ये तीनों भुजाएं आपस में मिलकर के बंद आकृति बनाती है। जब आकृति बंद होगी तब उसको हम कह देंगे त्रिभुज। भुजाएं तीन होनी चाहिए। तो हमने क्या इसकी परिभाषा बनाई, तीन भुजाओं से मिलकर घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक चीज हमको ध्यान देनी है, इस बात को हमको रटने की जरूरत नहीं है, इस बात को हमको समझ लेना है। हम ऐसे जैसे छोटी कक्षाओं में क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर वगैरह रटते थे, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसको दो बार तीन बार ऐसे 10-15 बार पढ़ते थे, फिर हम सोचते थे कि अब हमको ये याद हो गई, फिर ऐसी बोलते थे, तब हम सोचते थे कि अब हमको परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आपने इसको रट करके नहीं, समझ करके बना करके लिख दिया तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हमको इसको समझना है, रटने की जरूरत नहीं है। समझना क्या है, तीन भुजाएं होनी चाहिए, त्रिभुज है, तीन भुजाएं होनी चाहिए, और वो तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आपस में बंद कर देवे किसी आकृति को तो वो त्रिभुज बन जाएगी। तो इसमें भाषा का थोड़ा सा चेंजिंग अगर आप कर देते हो तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि भैया जी ने ऐसी लाइन कही तो हम ऐसी की ऐसी ही लाइन लिखे हैं। हमारी जो हम परिभाषा बनाते हैं उसकी भाषा तो चेंज हो सकती है, उसका जो मूल रूप है ना, जो वो बताना चाहता है, जो आप बताना चाहते हैं वो बताए, उससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हम त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने दिया तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, आपने ये समझ लिया कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज होती है तो भी ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। तो अब चित्र देखो इसका कैसे बन रहा है, तीन भुजाएं लेनी है, ये एक, ये दो, ये तीन,
इसी को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंधाकृति त्रिभुज होगी। अब इन तीन भुजाओं को यहाँ देखेंगे, तीन भुजाएं मैंने कौन सी बनाई, पहली ये बनाई थी, नाम देते हैं इसको ए बी। अब नाम किसको दिया जाता है, ये त्रिभुज के एक दो तीन तीन बिंदु है ना, इनको शीर्ष कहते हैं। इस शीर्ष का नाम मैंने दिया ए, इस शीर्ष का नाम दिया मैंने बी। तो ये दो शीर्ष एक ए और एक बी, इन दो के बीच में एक लाइन दिख रही है, एक भुजा दिख रही है, इसको भुज यानी भुजा कहते हैं। इसको रेखा, इस रेखा को हम एक भुजा मानेंगे। दूसरा रेखा बी से यहाँ तक आती है, इसको नाम देंगे हम सी। तो पहला भुजा ए से बी, दूसरी भुजा बी से सी, तीसरी भुजा ए से सी। अब आप इसको सी ए भी बोल सकते हैं, सी डी भी बोल सकते हैं, बी ए भी बोल सकते हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने नाम दिए शीर्षों को, ध्यान रखना अगर इसको हमको अलग अलग पढ़ना होगा तो हम ऐसे पढ़ेंगे, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, इस तरीके से। आई बात समझ में, हमको सिर्फ एक भुजा का पूछे तो हमको ऐसा बोलना पड़ेगा भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी। ये तीनों मिलकर के जब बंद हो गई तो जो आकृति बनी वो त्रिभुज है। ये चीज़ हमने समझ ली। अब इस तरह की दूसरी को इसी आकृति बना देंगे, हमारे माइंड में ये आकृति नहीं, तीन भुजाएं होनी चाहिए। ये एक इतनी छोटी भुजा बनाई मैंने, ठीक है, इसका नाम तो नाम जरूरी नहीं है हमेशा ए बी सी हो, हम अपने मन से दूसरा नाम दे सकते हैं। हमने डी और ई नाम दे दिया, ठीक है। दूसरी मैंने जैसे कि दूसरी लाइन इधर लेनी है, ठीक है, इधर ले ली मैंने एक दो और ये तीसरा से डी, इसको नाम दे दिया एफ। अब हमको क्या करना है, तीनों को मिलाना तो पड़ेगा, डी को और एफ को मिलाना पड़ेगा, तो ये तीसरी लाइन हो जाएगी। अब एक चीज देखना, जब हम कॉपी में बनाएंगे या आकृति तो पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाना चाहिए। इस तरीके की, क्यों, इसमें देखो भुजाएं एक दो और तीन, तीन भुजाएं, तो ये त्रिभुज है। आई बात समझ में, एक और ले लेते हैं, ये एक लाइन, दूसरी लाइन मैंने जैसे कि मैं ऐसे ले लूंगा, ये ले लेंगे, तीसरी लाइन फिर यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी, तो ये भी त्रिभुज होगा। त्रिभुज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, तीन भुजाएं होनी चाहिए और वो आपस में मिल जानी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। हमने अपने मर्जी से नाम दे दिए, जब किसी आगे की कक्षाओं में आएगा तब उनका नाम स्पेशल फिक्स होता है, नाम फिक्स होते हैं, तो उसी नाम की और उसी साइज का त्रिभुज बनता है। तो अभी आपसे एजी की जैसे त्रिभुज नहीं बने तो घबराने की जरूरत नहीं है, तीन भुजाओं से मिलकर के आप कैसा भी त्रिभुज बना सकते हैं। आगे बात समझ में, अगली आकृति ले लेते हैं, वर्ग, जिसको हम चौकोर कहते थे पिछली कक्षा में। तो अब इसको करने के बाद में एक लाइन खाली छोड़ना, उसको अच्छे से पेंसिल से स्केल से बंद करना, फिर दूसरी आकृति के बारे में पढ़ना। अब दूसरी आकृति हम ले रहे हैं वर्ग, वर्ग जिसको आप चौकोर कहते थे, जिसमें चार लाइनें होती थी और वो चारों की नाप समान होती थी। तो इसके भी मैं पहले आपको चित्र बनाता हूँ और चित्र को देख करके हमको परिभाषा बनानी है अपने हिसाब से। चित्र क्या बना रहे हैं हम इसको यहाँ से देखना, चार भुजाएं चारों बराबर, पहली भुजा, अब इसके बराबर ही दूसरी भुजा होगी, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा,
चार भुजें हैं, कौन कौन सी ये देखो मैं बताता हूँ। ए से बी तक, ये यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक लेंगे दो भुजा, इससे यहाँ तक लेंगे सी से डी तक तीसरी भुजा, डी से वापस ए तक चौथी भुजा। तो इस तरीके से अब देखो इसमें मैं स्पेशल भुजाओं के ऊपर निशान बना रहा हूँ, वो निशान हमको क्या बताएंगे, समानता को बताएंगे। देखिए ये दो लाइनें मैंने करी है ना छोटी छोटी तिरछी, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, इसका मतलब क्या है, जितनी ये है भुजा उतनी ही भुजा ये है, जितनी का मतलब जितनी लंबाई से है, जितनी लंबी भुजा ये है उतनी लंबी भुजा ये है। अब इतनी की इतनी लंबी भुजा ये है, अब इतनी ही लंबी भुजा ये है, आई बात समझ में। ये काम आती है वर्ग में या किसी दो भुजाओं की समान माप बताने के लिए। अब हम वर्ग की परिभाषा बना सकते हैं, चार बिंदु होने चाहिए, चार भुजाएं होनी चाहिए, और चारों भुजाएं मिलकर के क्या एक बंद आकृति बनाए, और चारों भुजाओं की माप क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम चलो हमने परिभाषा बना ली, चार भुजाओं से मिलकर के बनी बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो वो वर्ग कहलाती है, या फिर हम इसको छोटा भी करके लिख सकते हैं, चार समान माप वाली भुजाओं से बनी बंद आकृति वर्ग कहलाती है। ये इस पर मैंने दो अंडरलाइन कर लिए, इस वर्ड को ध्यान में रखना, वर्ग की परिभाषा लिखते समय चार समान माप वाली भुजाओं से बनी बंद आकृति वर्ग होती है। इस पर भी दो लाइन मैंने अंडरलाइन कर दी है, आपको ये ध्यान रहे कि समान माप वाली जो भुजाएं होंगी चार, उससे जो बंद आकृति बनेगी वो वर्ग होगी। अब आपको ये आकृति भी पेंसिल और स्केल की सहायता से बनानी है, ठीक है। छोटा एक मैं वर्ग और बना देता हूँ, बोर्ड पर बहुत छोटा लग रहा है, आप मतलब इसका समझ जाओ कि इसके बराबर की ही, इसके बराबर की ये लाइन है, इसके बराबर की ये लाइन है, चारों लाइनें एक दूसरे में समान माप की है। तो आप कॉपी में भी ऐसे छोटे बड़े वर्ग बना सकते हैं। और नाम अभी हमको देना चाहिए क्योंकि आगे की कक्षाओं में हमको नाम भी देने पड़ेंगे, तो ये चीज भी साथ में सीख लेते हैं। जो नाम है ना ये इसका नाम है, एफ इसका नाम है, पूजा का पूरे का नाम क्या है ई एफ, जी इस बिंदु का नाम है एफ और जी, ये इस पूरी लाइन का नाम है, एच इस बिंदु का नाम है, जी एच इस पूरी लाइन का नाम है, ऐसे ही एच और ई इस पूरी लाइन का नाम है। आज हमने दो आकृतियाँ पढ़ी, उम्मीद करता हूँ दोनों आकृतियाँ आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, आगे की दो तीन आकृतियाँ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।